class children, let's learn a very interesting chapter, and that is on light. In this lesson you have to pay lots of concentration. Maybe you have found that this chapter is easy for you, but it is not so easy as you think. There are lots of details that are to be noted, and once the concept is clear, you won't find anything difficult in this. It's a very interesting chapter, provided you pay attention and be with me when I'm teaching you. Need your cooperation? So we'll start the lesson, and that is regarding the light. Everyone is well aware when a beam of light is entering the room through a small hole, एक छोटे से hole में से हम लोग को beam of light, sunlight नजर आती है, हम अच्छे से उसको देख सकते हैं. अभी आप पूछोगे light क्या, तो हम एक beam of light के way में हम लोग शुरू करते हैं. ऐसे आ रहे हैं, हमको दिखाई दे रहा है. दूसरा कौन सा है, कब हम लोग दिखाई देता है? जैसे हेडलाइट्स होते हैं कार के, स्कूटर के, वो बीम ऑफ लाइट जो होती है वो हेडलाइट के स्कूटर में से, कार में से भी हमको नजर आती है. अंधेरे में एकदम से स्ट्रेट हमको नजर आती है, ऐसे जाते हुए नजर आती है. तो वी आर वेल अवेयर ऑफ इट. कभी कभी लाइट हाउस में से जहाँ पे बोट्स वगैरह होती है उनको डायरेक्शन देने के लिए एयरपोर्ट के वहाँ पे सर्च लाइट्स होती है, सर्च लाइट होती है जिससे हमको नजर आती है. तो इससे हमें आइडिया आती है, लाइट के बारे में हमको नॉलेज मिलता है. ना दूसरी चीज है, लाइट कैसे ट्रैवल होती है? लाइट ट्रैवल होती है स्ट्रेट लाइन में. अब उसके लिए हम लोग एक सिंपल एग्जाम्पल करते हैं. एक मोमबत्ती जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, और उस कैंडल को ऐसे हम लोग राउंड करके स्ट्रेट पाइप से देखेंगे. अगर हम स्ट्रेट पाइप से देखते हैं उसको, तो हम उसको इजीली देख सकते हैं. लेकिन अगर हम लोग इसको मोड़ देते हैं, अगर हम इसको मोड़ देते हैं तो हम नहीं देख पाते. दिस इज अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट विच यू कैन डू. यू कैन यूज अ स्ट्रेट पाइप एंड यू कैन यूज अ बेंट पाइप, वो बी एबल टू सी. एक कैंडल जला देना और देखने की कोशिश करना. बट तो इससे हमको क्या पता चला, लाइट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है. बट हाउ कैन वी चेंज द पाथ ऑफ लाइट? अगर हमको लाइट का डायरेक्शन पाथ चेंज करना है तो हम कैसे कर सकते हैं? ये भी आपने किया है, आपको नहीं पता होगा, लेकिन जब आपका आई कार्ड होता है, जब आपका बैज होता है, उसके ऊपर लाइट आती है, तो ऐसे स्ट्रेट ट्रेवल करके वो बाउंस बैक होती है और सामने की तरफ आपको नजर आता है उसका रिफ्लेक्शन. वैसे ही टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस. अभी लड़कियां होती है नवरात्रि में चनिया चोली पहनते, उसमें छोटे छोटे मिरर्स लगे हुए होते हैं, कुछ शाइनी शाइनी चीजें होती है, जैसे आर्टिफिशियल इयररिंग स्टील वगैरह की पहनी हुई है, तो ऐसे आपको लाइट नजर आती है, आपके आंखों के ऊपर आ रही है, ऐसी फीलिंग आती है. तो टू लेट इट फॉल ऑन अ शाइनी सरफेस, कोई भी चमकती हुई चीज में लगा दो, थाली है, प्लेट है, स्टेनलेस स्टील प्लेट है, शाइनिंग स्टील स्पून है, मिरर कैन चेंज योर डायरेक्शन ऑफ लाइट. कभी आप देख रहे हो, आप मिरर लेके खड़े हुए, वो सनलाइट आ रही है, फिर सनलाइट का आपको वहां पे दिखेगा कि वो डायरेक्शन चेंज हो रहा है. दिस चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इज लाइट, लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. इसको क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला जाता है. सो वी कैन चेंज द डायरेक्शन पाथ. क्या बीच में एक शाइनी सरफेस, स्मूथ सरफेस रख के भी है? अब हम एक एक्टिविटी करते हैं जिसके अंदर ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ मिरर हमको नजर आएगा. हमने अभी डिस्कस किया कि मिरर में से लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं तो कैसा होता है, तो इस एक्टिविटी से हम समझ भी पाएंगे. सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू, टेक अ टॉर्च. अभी हमको एक टॉर्च लेनी है, अपनी नॉर्मल टॉर्च रहेगी तो भी चलेगी. दिस इज अ टॉर्च. कवर ए ग्लास विद चार्ट पेपर विच हैज थ्री नैरो स्लिट्स. अभी इसके जो आगे का पोर्शन होता है टॉर्च के, जब कांच का पोर्शन होता है, वहां पे एक चार्ट पेपर लगाना है. चार्ट पेपर जिसको आप स्कूल वगैरह में लगाते हो, वो थोड़ा सा मोटा सा पेपर होता है जिसमें आप ड्रॉइंग करके लगाते हो, वो वाला चार्ट पेपर लेना है. उसमें तीन ऐसे आपको कट्स करने हैं, ऐसे वर्टिकल कट्स करने हैं, स्ट्रेट स्ट्रेट करके आपको कट करना है और इसको कवर कर देना है. स्प्रेड अ शीट ऑफ चार्ट पेपर ऑन अ स्मूथ वुडन बोर्ड. अभी यहाँ पे एक आपको वुडन का बोर्ड लेना है स्मूथ वाला, उसके ऊपर आपको एक चार्ट पेपर वापस से लगाना है वो वुडन बोर्ड के ऊपर.
fix a plain mirror strip vertically on it. अभी यहाँ पे आपको ये मिरर लगाना है, मिरर की स्ट्रिप लगानी है वर्टिकली इसके ऊपर. Now direct the beam of light on the mirror from the torch with slits. अभी क्या करना है, ये टॉर्च स्टार्ट कर देनी है, आपको ऑन कर देना है. अब इसकी लाइट है वो मिरर में आपको ऐसे शो करना है, मिरर की तरफ आपको करना है. तो अब क्या होगा, नाउ डायरेक्ट द बीम ऑफ लाइट ऑन द मिरर फ्रॉम द टॉर्च विद स्लिट्स. ये स्लिट वाला जो टॉर्च है उसमें से आप मिरर की तरफ डायरेक्ट करोगे लाइट को. प्लेस द टॉर्च इन सच अ वे दैट इट्स लाइट फ्रॉम द टॉर्च स्ट्राइक्स द प्लेन मिरर एट एन एंगल. अभी एक एंगल में वो लाइट को स्ट्राइक होना चाहिए, उस वे में आपको ढंग से रखना है. अब क्या होगा, हम लोग क्या देखते हैं, हमारा क्वेश्चन ये है, डज इट चेंज द डायरेक्शन ऑफ लाइट एंड फॉल्स ऑन इट. क्या डायरेक्शन चेंज होता है, अभी हमारी लाइट तो ऐसे जा रही है, स्ट्रेट जा रही है, ठीक है, अब क्या डायरेक्शन चेंज होगा. हाँ, अब क्या हो रहा है, लाइट इस तरह से वापस आ रही है, ये रिफ्लेक्ट हो गई. क्या हो गई लाइट, रिफ्लेक्ट हो गई. हम लोगों ने तो ऐसे लाइट डाला था, अब आगे भी जा रही है लाइट, क्या कर रही है, वापस आ रही है, ऐसे नीटो के वापस आ रही है. यस, मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन इट. हमने ये बोला था कोई भी शाइनी ऑब्जेक्ट रहेगा तो वो लाइट टकरा के ऐसे वापस आएगी, दैट इज रिफ्लेक्शन. अब अगर हम लोग टॉर्च को थोड़ा सा मूव करेंगे, अगर उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या होगा. यस, व्हेन द टॉर्च इज स्लाइटली मूव टू आइदर साइड डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे चेंजेस. अभी रिफ्लेक्शन का जो ये रे का जो एंगल होता है वो भी चेंज होगा अगर हम लोग टॉर्च को थोड़ा बहुत मूव करेंगे. जैसे हम लोग टॉर्च को थोड़ा बहुत मूव करते हैं तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी चेंज होगा. और क्या हम लोग को इमेज मिरर में देख सकते हैं, यस, दिस इज द इमेज ऑफ द स्लिट्स. ये किसकी इमेज हमको नजर आ गई, ये जो लाइट की स्लिट्स वाली इमेज है वो ही हमको मिरर में नजर आ. The next activity that we are going to show proves that it shows that an image formed by a plane mirror. अपना जो normal वाला mirror होता है वो plane mirror is virtual and correct. हमको ये दिखाना है इस activity से, ये perform करके दिखाना है कि जो image हम लोग को मिलता है वो virtual होता है और वो erect होता है और ये screen पे नहीं आ सकता. अगर हम लोग एक screen बनाते हैं तो image screen पे नहीं दिखेगा आपको, तो ये चीजें हमको इसमें दिखानी है. तो सबसे पहले क्या करेंगे, कौन से मटेरियल चाहिए, एक मिरर चाहिए, कैमरा चाहिए, एक ये प्लेटफॉर्म चाहिए. तो अरेंज अ मिरर इन अ वर्टिकल पोजीशन, यानी मिरर को ऐसे खड़ा रखेंगे जैसे इसमें बताया, बिल्कुल ऐसे अरेंजमेंट करना है. अरेंज अ मिरर इन अ वर्टिकल पोजीशन, प्लेस अ लाइटेड कैंडल इन फ्रंट ऑफ इट. अभी ये मिरर के आगे एक जली हुई मोमबत्ती जला के इधर सामने बिल्कुल सामने उसका उसको प्लेस करना है. एंड ट्राई टू सी द फ्लेम ऑफ द कैंडल इन द मिरर. सबसे पहले मिरर के सामने हम कैंडल रखेंगे, फिर हम उसको मिरर में देखेंगे. उस ही मोमबत्ती को हमको कहाँ देखना है, मिरर में देखना है. मूव द कैंडल टू डिफरेंट पोजिशन इन फ्रंट ऑफ द मिरर. कभी हम लोग उसको लेफ्ट साइड में ले जा सकते हैं, कभी राइट साइड में, थोड़ा आगे करेंगे, थोड़ा पीछे करेंगे. तो इस तरीके से हम लोग उसकी प्लेस चेंज करते रहेंगे. वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस. क्या हम लोगों को ऐसे ही सीधी नजर आती है जहाँ पे उसकी लौ ऊपर है, ये जल रहा है वो पान स्ट्रेट है, उल्टा तो नजर नहीं आता ना. नहीं, हमेशा हमको ये अपराइट पोजिशन में ही नजर आता है. यस, वॉज द इमेज अपराइट इन ईच केस. हमेशा जब भी हमने उस मोमबत्ती को शिफ्ट किया, वो कैंडल को शिफ्ट किया, तो क्या हमेशा ऐसे खड़ी नजर आती थी. यस, डिड द फ्लेम अपीयर ऑन द टॉप ऑफ द कैंडल एज इन द ऑब्जेक्ट. जैसे ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा है उसकी इमेज तो मिरर में आती है. अभी दो अलग चीज है, ऑब्जेक्ट यानी रियल में जो हमारे हाथ में है, और इमेज का मतलब होता है जो हमको कांच में नजर आता है, जो हमको मिरर में नजर आता है. तो इसमें क्या होगा, ये जो फ्लेम है ये कैंडल के ऊपर नजर आती है. क्या इमेज में भी वैसी नजर आती, कांच में भी वैसी नजर आती,
हाँ बिल्कुल टॉप पे ही एवरी कोई भी डायरेक्शन हम लोग चेंज करें तो भी ना प्लेस अ वर्टिकल स्क्रीन बिहाइंड द मिरर. अभी मिरर के पीछे एक अगर हम लोग स्क्रीन रखेंगे ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल वापस हम लोग क्या इमेज देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर. No, we cannot get an image on the screen. आपको image screen के ऊपर नजर नहीं आएगी. Image formed by a plane mirror is erect. इससे क्या पता चलता है? Erect होता है of the same size as the object. अगर हम भी mirror के सामने खड़े रहेंगे, तो हमारी size का वहाँ पे image हमको नजर आएगा. Virtual image is formed. Virtual image जब form होता है, तो वो screen पे दिखाई नहीं देता है. No image on the screen is obtained. Screen में कोई इमेज नहीं दिखाई दे. इस एक्टिविटी में हमको ये प्रूव करना है कि सपोज हम लोग समझते हैं कि ये मिरर है, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो हम लोग और मिरर के बीच में जो डिफरेंस है, तो हमारा इमेज हमको मिरर में दिखाई देगा, तो वो पीछे मिरर में जब इमेज हमको दिखाई देता वो भी उतने ही दूरी पे है. अगर हम लोग थोड़ा और पीछे हो जाएंगे तो वो मिरर का इमेज भी दूर ही आएगा, तो वो डिस्टेंस सेम है. तो उसी को हमको इस एक्टिविटी में प्रूव करना है कि जितना मिरर के सामने डिस्टेंस होता है वो ही इमेज हमको उतनी ही दूरी पर नजर आएगा. जैसे टू शो दैट द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर में जो इमेज दिखाई देता है इज एट द सेम डिस्टेंस, बिल्कुल उतना ही डिस्टेंस रहेगा बिहाइंड द मिरर एंड द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट. ऑब्जेक्ट सामने होता है और बिहाइंड द मिरर में पीछे वो ही सेम डिस्टेंस में नजर आएगा. तो सबसे पहले कौन से मटीरियल्स चाहिए? एक चेस बोर्ड, हम आप लोग चेस खेलते हो ना वो वाला, एक चेस बोर्ड ले लेना. प्लेन मिरर, पेंसिल, शार्पनर. पेंसिल ले लो, शार्पनर ले लो, एक चेस बोर्ड ले लो और एक प्लेन मिरर ले लो. टेक अ चेस बोर्ड यूज फॉर प्लेइंग द गेम. अ चेस, चेस गेम खेलने का एक चेस बोर्ड ले लो. फिक्स अ प्लेन मिरर वर्टिकली ऑन दिस लाइन. अभी इस लाइन के ऊपर ये एक मिरर है, ये जो है ये चेस बोर्ड है और ये जो है वो मिरर है. Place any small object such as a pencil, sharpener at the boundary of the third square counting from the mirror. अभी मिरर से थर्ड स्क्वायर में हम लोग काउंट करते हुए एक ऑब्जेक्ट रख सकते हैं, पेंसिल रख सकते हैं, शार्पनर रख सकते हैं, इरेजर रख सकते हैं. तो हमको इसकी क्यों चेस बोर्ड हम लोगों ने लिया? ताकि हम लोग वो प्लेस काउंट कर सके. तो यहाँ से अगर हमको पता है हम लोगों ने थर्ड स्क्वायर में रखा है, तो जो इमेज बनेगी उसमें भी हम लोग काउंट कर सकते हैं कि वो थर्ड स्क्वायर में है कि नहीं है. नाउ लोकेटिंग इमेज इन द प्लेन मिरर, ये एक्टिविटी है. नाउ शिफ्ट द ऑब्जेक्ट टू द बाउंड्री ऑफ द फोर्थ स्क्वायर. अब इसको हटा के अगर हम लोग फोर्थ स्क्वायर में लेकर जाएंगे तो क्या होगा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट? क्या रिलेशन है ये दोनों के बीच में, ये ऑब्जेक्ट का और उस इमेज का क्या रिलेशन है? अगर हम लोग उसको थर्ड स्क्वायर पे रखेंगे तो इमेज में हम लोग उसको पीछे मिरर में भी थर्ड बॉक्स में ही नजर आएगा. अगर हम लोग उसको फोर्थ बॉक्स में शिफ्ट करेंगे तो इमेज भी फोर्थ बॉक्स में दिखाई देगा हमको. ऐसे नहीं कि हमने पहले थर्ड में रखा था फिर फोर्थ में चेंज किया तो वापस वो इमेज थर्ड में ही नजर आएगी, नहीं. जहां जहां पे हम लोग उस शार्पनर को, उस पेंसिल को या जो भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे सेम डिस्टेंस हमको उसमें भी चेंज नजर आएगा. Yes, the image is in the same distance behind the mirror as the object in the front of it. The image formed by a plane mirror is at the same distance behind the mirror as the object in front of it. Same चीज हमको नजर आएगी कि object और image दोनों same दूरी पे है, same distance पे. Right or left? राइट और लेफ्ट इसमें मिरर में कैसे पता चलता है हमको? लैटरल इन्वर्शन हो जाता है हमारा जब हम मिरर के पास में खड़े रहते हैं. हम क्या करेंगे? अपना राइट हैंड ऐसा मूव करेंगे तो बिल्कुल सेम इमेज सामने आता है लेकिन वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. टू शो दैट इन द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन अ प्लेन मिरर साइड लेफ्ट राइट आर इंटरचेंज.
अब क्या इंटरचेंज हो गया, लेफ्ट साइड राइट साइड बन जाएगा और लाइन राइट साइड है वो लेफ्ट साइड बन जाएगी। प्लेन मिरर क्या चाहिए हमको, हमको अलमीरी के सामने खड़ा रहना है, एक कबर्ड के सामने खड़ा रहना है जहां पे मिरर होगा। स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर एंड लुक एट योर इमेज। सबसे पहले हमको शीशे के सामने खड़ा हो जाना है, मिरर के सामने खड़ा हो जाना है एकदम बिल्कुल सामने और हम नजर आएंगे मिरर में। रेज योर लेफ्ट हैंड, अभी आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड रेज करना है। ऑब्जर्व द इमेज, लेकिन जब हम इमेज को ऑब्जर्व करेंगे तो हमको क्या नजर आएगा, राइट हैंड इज रेज, बिल्कुल उल्टा नजर आएगा। हमने तो लेफ्ट हैंड ऊपर किया था हमको पक्का पता है, पर इमेज हमारे सामने नजर आ रही है जैसे कोई हमारे ऑपोजिट डायरेक्शन में खड़ा है और उसका राइट हैंड ऊपर रेज है। नाउ टच योर राइट ईयर, अब हमको राइट ईयर को टच करके देखना है एंड ऑब्जर्व द इमेज। ऑब्जर्व में क्या होगा, लेफ्ट ईयर नजर आएगा कि हमने होल्ड किया हुआ है। यर ओनली साइड्स आर इंटरचेंज, खाली साइड इंटरचेंज होता है, इमेज अपना उल्टा नहीं हो जाता, हम उल्टे नहीं नजर आते, सिर्फ साइड अलग नजर आती है। साइड्स आर इंटरचेंज, इमेज इज फॉर्म्ड इज लैटरली इन्वर्टेड, क्या होता है इमेज जो बनती है वो लैटरल इन्वर्टेड होती है। अब आप ये देखोगे एम्बुलेंस के ऊपर ऐसे लिखा हुआ होता है, यू कैन सी दिस वे, एम्बुलेंस के ऊपर कभी भी सीधा ऐसे एम्बुलेंस नहीं लिखा जाता है, आप एक पीस ऑफ पेपर में लिख के मिरर के सामने रख कर देख सकते हो ऐसे कैपिटल फॉन्ट में, तो आप जब ऐसे लिखोगे तब आपको ऐसा एम्बुलेंस नजर आता है। एम्बुलेंस के लिए स्पेसिफिकली ये लिखा जाता है क्योंकि आपको पता है सबसे पहले आपको एम्बुलेंस को जाना देना पड़ता है क्योंकि उसके अंदर कोई सीरियस पेशेंट होता है। वी कैन कीप द एम्बुलेंस वेटिंग इन द ट्रैफिक, तो ये ऐसे लिखा हुआ होता है तो जब वो रेयरव्यू मिरर में कोई भी ड्राइवर देखेगा तो उसको एम्बुलेंस का सही स्पेलिंग नजर आता है, क्योंकि मिरर में अगर हम लोग स्ट्रेट लिखेंगे ऐसे लिखेंगे तो हमको मिरर में उल्टा नजर आएगा, इसके लिए हमको ऐसे उल्टा लिखना पड़ता है जिसकी वजह से ऐसे नजर आएगा और दूसरा कोई भी ड्राइवर जो एम्बुलेंस को जाने के लिए पहले प्लेस दे देगा। बच्चों आज हम लोग एक एक्टिविटी करने वाले हैं, इसके लिए प्लीज आप एक स्टील की ऐसे स्पून लेकर रेडी हो जाओ, इससे आपका एक्सपेरिमेंट ये एक्टिविटी बहुत ही इजी हो जाएगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। एकदम न्यू वाली स्पून है तो वो लेना, उसमें इमेज बहुत ही बढ़िया आएगी। अब सबसे पहले हमको क्या लेना है, टेक अ स्टेनलेस स्टील स्पून जो हम लोगों ने ले ली, आप भी रेडी हो जाना लेकर। अब क्या करना है कि दो किस्म से देखना है, एक तो है इमेज फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द स्पून यानी ये वे, इसको कॉन्वेक्स बोला जाता है, ऐसा वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा, और दूसरी इमेज आती है इमेज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द स्पून यानी ये वाला हिस्सा इनर साइड ऑफ द स्पून। तो चलो सबसे पहले हम लोग इमेज फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द स्पून कर लें। अभी सबसे पहले आप ऐसे रखना और देखना, डू यू सी योर इमेज इन इट, तुमको नजर आता है, हाँ ये नजर आ रही है आपको इमेज, ऐसे से आप देख सकते हो नजर अच्छे से इमेज आपको आ रही है। बाद में इज द इमेज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू सी इन अ प्लेन मिरर, वो प्लेन मिरर में हम लोगों ने क्या देखा था, शीशे के सामने आईने के सामने हम लोग इरेक्ट है, बिल्कुल हमारे साइज का इमेज बन रहा है, डिस्टेंस भी वो का वो है, खाली उसमें लैटरल इन्वर्शन था, जैसे हम लोग राइट हैंड ऊपर करते हैं तो लेफ्ट हैंड दिखाई देता है, लेकिन इसमें इमेज इज डिफरेंट, द इमेज इज डिफरेंट फ्रॉम द इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर, हम लोग इसमें वापस देख सकते हैं। इज द इमेज इरेक्ट, ये देख के बताओ क्या ऐसा ही खड़ी इमेज है कि उल्टी इमेज है, तो इसमें आएगा कि इमेज इरेक्ट है, कैसा आएगा, इमेज इज इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज, अपने जितने साइज की नहीं है, सेम टू सेम नहीं है, पर कैसी है, स्मॉलर इन साइज, आप ऐसे लग के बताना, हाँ प्लेन मिरर जैसी नहीं है, साइज में डिफरेंट है, ठीक है, और इरेक्ट है। अब हम देखेंगे इमेज फ्रॉम द इनर साइड ऑफ द स्पून, अभी स्पून को चेंज कर दो, ऐसे जो खड्डे वाला हिस्सा है उसमें आप इमेज को देखने की कोशिश करना, इसके अंदर। नाउ लुक एट योर इमेज यूजिंग इनर साइड ऑफ द स्पून, इंक्रीज द डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको बड़ा करना है। द इमेज फॉर्म ऑन द इनर साइड ऑफ द स्पून इज इरेक्ट एंड लार्जर इन साइज, इरेक्ट होता है और साइज में भी थोड़ा लार्जर है। When the inner surface of the spoon is moved away from the
फेस, इमेज बिकम्स इन्वर्टेड। अभी धीरे से पास लेकर आओगे तो आपको कैसा नजर आएगा, इरेक्ट सीधा नजर आएगा, और लाइफ जैसे आप दूर लेके जाएंगे तो इमेज बिकम्स इन्वर्टेड, फेस से दूर लेके जाओगे तो आपको नजर आएगा वो जो इमेज है वो उल्टा हो जाता है। You have to see this way and get the answer that you get it inverted. अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स कैसे बनता है इसके लिए हम लोग ये देखते हैं। मिरर बनाने के लिए हम लोग एक बॉल लेते हैं। एक बॉल लेना है, टेक अ रबर बॉल एंड कट अ पोर्शन ऑफ इट विद द नाइफ, उसका एक हिस्सा कट कर दो चक्कू से या तो कोई ब्लेड से, बड़ा वाला सॉ ब्लेड से, लेकिन आपके पेरेंट्स को बोलना, आप खुद मत करना। तो कैसा होगा, एक स्पीयर है, बॉल कैसा होता है, एक स्पीयर होता है, और उसको जब हम लोग कट करते हैं तो जो अंदर का हिस्सा होता है उसको कॉनकेव सरफेस बोलते हैं। ऐसे अंदर वाला जो हिस्सा रहेगा केव जैसा बनता है, खड्डे जैसा बनता है, उसको कॉनकेव सरफेस बोला जाता है, और पीछे का जो हिस्सा होता है बॉल का उसको कॉनवेक्स सरफेस बोला जाता है। सपोज हमने एक बॉल लिया, बॉल को बीच में से हमने कट कर लिया, ये जो अंदर वाला केव वाला जो हिस्सा होता है उसको कॉनकेव बोला जाता है, और ये पीछे का जो हिस्सा होता है उसको कॉनवेक्स बोला जाता है। इसके अंदर ये कॉनकेव में अंदर वाली सरफेस है वो शाइनिंग होती है, इसके लिए हम लोगों ने बाहर की तरफ लाइन की है। यू हैव टू कंसीडर दिस इनर साइड शाइनिंग सरफेस, और इसके अंदर अंदर की तरफ कैसे लाइन की है, ये जो आउटर पोर्शन है दिस इज द शाइनिंग सरफेस ऑफ कॉनवेक्स, और कॉनकेव में इनर सरफेस जो होती है वो शाइनिंग सरफेस होती है। तो अब कॉनकेव और कॉनवेक्स मिरर में डिफरेंस क्या होता है। Where the object is near, image is virtual, erect and magnified. जब हम object पास में रहता है, suppose we are the object, और ये हम लोगों ने concave mirror अपने पास में रखा है, तो कैसे आएगी, virtual आएगी, erect आएगी और बड़ी आएगी, magnified आएगी, सीधी आएगी। virtual का मतलब होता है वो स्क्रीन पे उसका इमेज नहीं आएगा। It can form real and inverted image also. सिर्फ वर्चुअल इमेज नहीं बन सकती है, रियल आती है, इन्वर्टेड आती है, इमेज भी बन सकती है। रियल इमेज कैन बी बिगर, स्मॉलर और ऑफ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। अभी जो रियल इमेज बनेगी वो जो इन्वर्टेड उल्टी वाली इमेज बनेगी या तो बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, या तो सेम साइज की हो सकती है। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के पास। इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल होता है, इरेक्ट होता है और स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। इसका बेस्ट अगर एग्जांपल हम लोग लेंगे तो रेयर व्यू मिरर ऑफ द कार, उसमें ये कॉन्वेक्स मिरर होता है। उसमें आप हमेशा देखोगे इमेज कितनी दिखाई देती है आपको पीछे के कार की, नहीं, पीछे जो भी व्हीकल्स आते हैं उसकी छोटी सी आपको इमेज नजर आएगी, क्योंकि इतने छोटे से कांच में आपको सारे पूरी की पूरी बस की इमेज सेम साइज की तो नहीं आ सकती, हमको पीछे का सारा ट्रैफिक देखना होता है। इसके लिए कि जो उसमें इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट होती है, वर्चुअल होती है और उसकी साइज भी छोटी होती है। एक पीस ऑफ पेपर में देने की कोशिश करना है, हमको एडजस्ट करना है।
Adjust the distance of the paper until you get the sharp bright spot on paper. अभी पेपर के अंदर एक छोटा सा ऐसे शार्प ब्राइट स्पॉट आएगा, लेकिन ये छोटा सा ही ऐसे आना चाहिए। अभी ये देखो, इसके रिफ्लेक्शन के वजह से ये सन की लाइट आ रही है, ये रिफ्लेक्शन के वजह से मिरर से रिफ्लेक्ट होके एक शार्प ब्राइट स्पॉट बन जाता है पेपर पे। होल्ड द मिरर एंड शीट ऑफ पेपर स्टेडी फॉर अ फ्यू मिनट्स। अभी मिरर को और शीट जिसमें वो इंप्रेशन आ रही है, थोड़ी देर के लिए आपको उसको ऐसे ही होल्ड करके रखना है, स्टेडी रखना है, हिलाना नहीं है। Does the paper start burning? अभी थोड़ी देर उसी स्पॉट में रखने से क्या कागज बर्न हो जाएगा? Yes, it starts burning. पेपर जो है वो जलने लगेगा। A smaller and sharper image of the sun obtained on the paper using a concave mirror. अब क्या होगा? एक smaller, sharper image आ जाता है सन का पीस ऑफ पेपर में कॉनकेव मिरर के मदद से। एन इमेज फॉर्म ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज। और जो इमेज आती है उसके ऊपर उसको बोला जाता है एक रियल इमेज बोला जाता है। हेंस इट कैन बी कंक्लूडेड दैट कॉनकेव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ द सन। कॉनकेव मिरर की वजह से कौन सा इमेज आ रहा है? सन का इमेज, रियल वाला इमेज आ रहा है। ठीक है, so this is the experiment which can be conducted at home also, provided you need a concave mirror, not the normal plane mirror, you need a concave mirror. Let's come to another activity. To study the nature of images formed on placing an object at different distances in front of a concave mirror. यहाँ क्या करना है? कॉनकेव मिरर लेना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है और ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग को लेना है स्क्रीन पे, लेकिन अलग अलग डिस्टेंस पे रखकर हमको इमेज लेनी है। एक पास में, एक थोड़ा सा दूर और एकदम दूर, ऐसे करके तीन टाइप का इमेजेस हमको स्क्रीन पे लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग दूर वाली इमेज का करते हैं। तो ये रहा, हमको कॉनकेव मिरर लेना है, ये दूसरा है ऑब्जेक्ट दैट इज लाइटेड कैंडल एंड दिस इज द स्क्रीन। अब करना क्या है हमको? फिक्स अ कॉनकेव मिरर टू अ स्टैंड एंड प्लेस इट ऑन द टेबल। कॉनकेव मिरर लेना है, उसको स्टैंड पे रखना है और स्टैंड पे रखने के बाद हमको उसको टेबल पे रखना है। यूं ही बिना स्टैंड के ये मिरर रहेगा नहीं, इसके लिए इसको स्टैंड का नीड है और वो टेबल पे रखेंगे। पेस्ट, अभी हमको स्क्रीन बनाना है, तो स्क्रीन के लिए क्या लेंगे हम लोग? 15 सेंटीमीटर लेंथ, 10 सेंटीमीटर ब्रेथ का व्हाइट कलर का पेपर हमको कार्डबोर्ड पेप शीट के ऊपर स्टिक कर देना है, उसको पेस्ट कर देना है और उसको ऐसे खड़ा वर्टिकल पोजीशन में रखना है। ये स्क्रीन का काम करेगा, इसके ऊपर इमेज आएगा। कीप अ लाइटेड कैंडल, अब ये कैंडल को हमको बर्न करना है। ये लेंथ इससे कितना दूर रखना है? कॉनकेव मिरर से हमको 50 सेंटीमीटर अवे रखना है। 40 भी रख सकते हो, 50 सेंटीमीटर भी अवे रख सकते हो फ्रॉम द मिरर। कीप अ लाइटेड कैंडल 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, यानी ये मिरर और कैंडल के बीच में 50 सेंटीमीटर का डिफरेंस होना चाहिए। ऑब्टेन अ शार्प इमेज। शार्प इमेज का मतलब क्या है? वो इमेज ब्लर नहीं होनी चाहिए, अच्छे से शार्प वाली इमेज लेनी है। ऑब्टेन अ शार्प इमेज ऑफ द फ्रेम ऑन द स्क्रीन। अभी उसको ऐसे सेट करना है कि इसकी जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर शार्प दिखनी चाहिए। अब व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फार अवे फ्रॉम द कॉनकेव मिरर, अभी कॉनकेव मिरर से दूर रहेगा, तो द इमेज फॉर्म इज रियल एंड इन्वर्टेड। तो ये इमेज कैसी बनी है? रियल भी है और ये जो फ्लेक स्ट्रेट है, अब ये उसका उल्टा हो गया, इसका मतलब है इन्वर्टेड। अब वापस हम थोड़ा सा मूव करेंगे कैंडल को। अब यहाँ का प्लेसमेंट देखना, 40 से हमने क्या कर लिया, थोड़ा सा पास में लेकर आ गए, ये कॉनकेव मिरर के पास दिया है, ये अपनी स्क्रीन है और वापस से हमने शार्प इमेज ऑब्टेन की। यहाँ पे भी रियल रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा एंड एट द सेम टाइम ये साइज थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, तो ये मूवमेंट से इतना डिफरेंस हो गया। नाउ थर्डली, वेन यू आर कीपिंग द ऑब्जेक्ट वेरी नियर बाय एंड दैट इज
होता है, ये लाइटेड कैंडल है, ये कॉनकेव मिरर है। तो ये जो इमेज यहाँ पे ऑब्टेन होगा वो एनलार्ज होगा, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, बहुत बड़ा होगा। When the object is placed very close to the concave mirror, the image form is virtual, erect and magnified. Virtual भी रहेगा, फिर सीधा है, उल्टा नहीं है, erect है और काफी बड़ा है। Spherical mirrors, as I had explained to you earlier, has sphere-like shape. appears as it is a part of a sphere. हम लोगों ने बोला था वो बॉल को अगर हम लोग कट करेंगे तो हमको एक पार्ट, एक जो हिस्सा है उसमें से एक कॉन्केव साइड मिलेगा और एक कॉन्वेक्स साइड मिलेगा। Exactly, it is from a part of a sphere. यानी एक स्पीयर में से लिया हुआ एक हिस्सा है। Now when we talk about concave mirror, अभी इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसी है? It is curved inward. और यहाँ पे रेज जो आते हैं, ये रेज जो है दे कन्वर्ज एट अ पॉइंट, जब वो रिफ्लेक्ट होते हैं यहाँ पे कॉन्केव मिरर के साथ, रेज ऑफ लाइट जब रिफ्लेक्ट होते हैं वो यहाँ पे कन्वर्ज होते हैं, इनको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। कॉन्वेक्स मिरर, यू कैन सी दिस साइड, आउटवर्ड साइड रिफ्लेक्टिंग सर्फेस इज कर्व्ड आउटवर्ड, ये जो रिफ्लेक्टिंग सर्फेस है वो बाहर की तरफ कर्व होती है, इनको डाइवर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। जैसे यहाँ से लाइट के रेज जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर डाइवर्जिंग सीम्स टू मीट एट अ पॉइंट, इट इज नॉट मीटिंग, इट सीम्स टू बी मीटिंग एट अनदर पॉइंट। रियल इमेज, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रियल इमेज, इट इज फॉर्म व्हेन द लाइट रेज मीट एट द सेम पॉइंट। अभी जब लाइट रेज सब एक ही पॉइंट पर मिलते हैं तो कौन सी इमेज फॉर्म होती है? रियल वाली। कैन बी व्यूड एज अ स्क्रीन पे हम लोग उसको व्यू कर सकते हैं, ऑन द स्क्रीन वी कैन सी, ऑलवेज इन्वर्टेड, हमेशा कैसी रहती है? उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है, फॉर्म बाय कॉन्केव मिरर। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जब लाइट रेज एक पॉइंट पे मीट होते हैं तो यहाँ से इसकी वजह से क्या होता है, एक कॉन्केव मिरर में होता है, उसकी वजह से रियल इमेज फॉर्म होती है। ये स्क्रीन पे देखी जाती है, रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे देखी जाती है और ये हमेशा इन्वर्टेड होती है। अब वर्चुअल इमेज की बात करते हैं, इट इज फॉर्म विद द लाइट रेज रिफ्लेक्ट एंड डाइवर्ज। यहाँ पे जब लाइट रेज जो है वो ऐसे रिफ्लेक्ट और डाइवर्ज हो रही है, इट कैनॉट बी सीन ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन पे इमेज नहीं आ सकती है, ऑलवेज इरेक्ट, हमेशा स्ट्रेट आती है, फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में और प्लेन मिरर में ये पाए जाते हैं। Concave mirror and a convex mirror. First point is it can be either erect or inverted. अब ये concave depending upon the distance. We have already done the activity earlier. I have covered the activity earlier, so we'll get the correct knowledge about it. हम लोगों ने जो आगे activity किया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि वो जो distance होता है, उससे पता चलता है या तो वो erect है image, या तो वो inverted है। तो concave में दोनों type की image बनती है, convex में upright और erect की बनती है। Either it can be real or virtual. ठीक है, अगर वो रियल है तो इमेज इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल होगा तो इरेक्ट होगा। इसमें वर्चुअल इमेज ही बनती है, वो इरेक्ट इमेज बनती है। कैन हैव सेम लार्जर और स्मॉलर साइज इमेज देन द ऑब्जेक्ट। अभी हमने एक्टिविटी में भी देखा था कि छोटी हो सकती है ऑब्जेक्ट से बड़ी हो सकती है, ऑब्जेक्ट से सेम साइज की हो सकती है कॉन्केव मिरर में इमेज, लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा स्मॉलर इन साइज देन द ऑब्जेक्ट। और बेस्ट व्हीकल में जो रेयर व्यू मिरर है उसमें से आपको अच्छे से आइडिया आ जाए। अब जो हम लोग कर रहे एक्टिविटी है वो कॉन्वेक्स मिरर से लेकर है, यहाँ आप अच्छे से प्लेसमेंट देख सकते हो। अब इसके लिए मेन एक्टिविटी का क्या काम है? टू ऑब्जर्व एंड स्टडी द इमेजेस फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर। अभी कॉन्वेक्स मिरर में कैसी इमेजेस बनती है वो हम जानते हैं। तो मटेरियल्स क्या क्या
कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कैंडल चाहिए और स्केल। फिक्स अ कॉन्वेक्स मिरर ऑन अ स्टैंड, अभी स्टैंड पे लगाएंगे तभी कॉन्वेक्स मिरर रहने वाला है, तो उसको स्टैंड पे लगाएंगे और उसको एक टेबल पे लगाएंगे। कीप अ लाइटेड कैंडल 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर, अभी ये कॉन्वेक्स मिरर और ये कैंडल के बीच में 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखेंगे। अब क्या करेंगे, इसका प्लेस चेंज करते रहेंगे, पहले 40 सेंटीमीटर करेंगे, फिर थोड़ा मिरर के पास लेकर जाएंगे, थोड़ा दूर लेके जाएंगे। नाउ मूव द कैंडल टुवर्ड्स द मिरर एंड प्लेस इट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस फ्रॉम इट एंड ऑब्टेन द इमेज इन द मिरर, अभी मिरर में बार बार इमेज हमको ऑब्टेन करना है। एवरी टाइम द रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन, अभी हमेशा हमको वो रिकॉर्ड करना है ऑब्जर्वेशन। Could you get a real image at any distance of the object from the convex mirror? क्या आपको real image मिली है इसमें? नहीं, no, real image could not be obtained. Convex में कैसे बनती है? Virtual बनती है. Real image कभी भी नहीं बनती है. Image larger होती है size में? No, size of the image is always smaller than the object. अगर हम लोग थोड़ा पास लाते हैं convex mirror के candle को तो थोड़ा सा इमेज बड़ा हो सकता है, मगर कभी भी इक्वल या ग्रेटर देन नहीं होता है। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर से कोई भी डिस्टेंस भी आप रखोगे, इमेज स्मॉल ही आती है। लेट्स लर्न समथिंग अबाउट द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। सो फर्स्ट लेट्स गो टू द यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। Now, what are the uses of concave mirror? Firstly, doctors use them for examining eyes, ears, nose and throat. Doctors aankhe, eyes, nose, ears and throat. Usko achche se usko dekh paate, uske parts properly dekh paate hain. Enlarged image hone ki wajah se. Dentists use to enlarge image of teeth. Dentists kiske liye use karte hain? Teeth ke liye. Wo enlarged image teeth ki aati hai. Uski wajah se wo easily apna work kar sakte hain. शेविंग मेकअप मिरर, अभी ऐसे अगर देखेंगे तो छोटे छोटे हेयर दिखते ही नहीं है, मेकअप करना है तो बराबर दिख नहीं रहा है, तो मेकअप के लिए और शेविंग के लिए एक स्पेशल मिरर आता है जिसमें आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा, एकदम हेयर आपको एक एक हेयर नजर आएगा, ऐसे बड़ा बड़ा नजर आएगा, तो शेविंग के लिए भी ईजी होता है और मेकअप के लिए भी। रिफ्लेक्टर्स ऑफ टॉर्चेस, हेडलाइट्स ऑफ कार, अभी कार की हेडलाइट होती है, स्कूटर की हेडलाइट होती है, तो क्या होता है लाइट अच्छे से वो वहां तक दूर तक जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स यानी हम लोग जो हेवनली बॉडीज देखते हैं, सैटेलाइट देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, वो सारी चीजें देखने के लिए भी उसमें भी यूज किया जाता है कॉनकेव मिरर। अब हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। Convex mirror it is used as side mirrors in scooter, car and other vehicles. Already I have told you earlier also that mostly the main use is as side mirror. Side mirror का काम करती है और वो सारी बड़ी बड़ी images, छोटी छोटी image करती है जिससे driving easy हो जाता है। They are used as staircase mirror on the double decker buses. Double decker buses होती है उसमें भी वो नीचे भी होती है बस में, ऊपर भी बैठना होता है, तो स्टेयरकेस मिरर के वे में भी यूज होता है, यहाँ पे उसको स्टेप्स को चढ़ते जाना होता है। इन शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस टू कीप एन आई ऑन द कस्टमर एंड शॉपलिफ्टर्स, अभी जहाँ पे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहाँ पे कस्टमर पे ध्यान रखना है। शॉपलिफ्टर का मतलब होता है जो शॉप में से चोरी कर लेते हैं, इसके लिए भी ये कॉन्वेक्स मिरर से दूर से सारे कस्टमर्स का एक आइडिया आ जाता है। पहले हम लोगों ने कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कर रहे थे, अब हम लेंस की तरफ शिफ्ट होंगे। तो व्हाट इज अ लेंस, अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंडेड ऑन बोथ द साइड्स बाय वन और टू स्फेरिकल सरफेसेस, वी ऑलरेडी अंडरस्टूड व्हाट इज स्फेरिकल, इट इज दिस शेप। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट है जिसके अंदर से हम देख सकते हैं, उसको बाउंड किया है, पैक किया गया दोनों साइड से बाय वन और टू स्फेरिकल सर्फेसेस, यानी दो मिरर से हम लोगों ने उसको बनाया गया है, दैट इज स्फेरिकल, दो स्फेरिकल सर्फेस से बनाते हैं हम लोग।
एक या तो दो। अब यहाँ देखेंगे कॉन्वेक्स लेंस। सबसे पहला इसको देख लेना, कॉन्वेक्स लेंस होता कैसा है। ऐसा होता है कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस आर थिकर इन द मिडिल, यानी बीच में से ठीक होता है। देन एंड द एजेस, एजेस में थिक नहीं है, ठीक कहाँ पर है, यहाँ पे मिडिल में। कॉन्वेक्स लेंस आर कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। और कॉन्वेक्स लेंस से कैसी इमेज बनती है, रियल इन्वर्टेड इमेज ऑल्सो, उसमें कैसे बनेगा, रियल और इन्वर्टेड इमेज भी बन सकती है। द रियल इमेज इज फॉर्म्ड इज बिगर स्मॉलर और ऑफ द सेम साइज इज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बड़ा छोटा या सेम साइज ऑब्जेक्ट का। नाउ वी विल बी गोइंग टू कॉनकेव लेंस, यू कैन सी दिस, इट इज कॉनकेव लेंस आर थिनर इन द मिडिल, बीच में ठीक है। देन एट द एजेस, एजेस बड़ी लग रही है और बीच में से कॉनकेव में यहाँ पे थिन होता है। कॉनकेव लेंस आर डाइवर्जिंग लेंसेज, इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है। द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज एंड द ऑब्जेक्ट, वर्चुअल यानी स्क्रीन पे नहीं आती इसकी इमेज। दिस इज एन एक्टिविटी रिगार्डिंग द यूज ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। The activity is such to obtain the image of the sun using convex lens and concave lens. We have to use both the lenses and uska conclusion kya aata hai that we have to see. So first we are using a convex lens. Materials needed, take a convex lens and we need the rays of the sunlight. So first we are taking a convex lens, we are taking paper also, piece of paper. Take a convex lens, put it in the palm of the sun rays. अब क्या करना है, कॉन्वेक्स लेंस लेना है, उसको क्या करना है, ये सनरेज के पाथ में रखना है। प्लेस अ पीस ऑफ पेपर, अभी ये पीस ऑफ पेपर है, पीस ऑफ पेपर उसके नीचे है। अभी हमको क्या करना है, ये पीस ऑफ पेपर नीचे रख के हमको डिस्टेंस सेट करना है। वी हैव टू एडजस्ट द डिस्टेंस बिटवीन द लेंस एंड द पेपर, लेंस और पेपर, इसके साथ तो हम डिस्टेंस नहीं कर सकते एडजस्ट, इसके लिए हम लोग को लेंस और पेपर के बीच में डिस्टेंस एडजस्ट करना है। होल्ड द लेंस एंड द पेपर फॉर अ फ्यू मिनट्स, अभी लेंस को और पेपर को थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखना होगा, रखना है आपको। अ स्मॉल एंड ब्राइट इमेज ऑफ द सन कैन बी ऑब्टेन्ड, कैसे दिखेगा, एक ब्राइट, ठीक है, इमेज आपको छोटी वाली इमेज नजर आ जाएगी पेपर में, उसको अगर आप थोड़ी देर पकड़ के रखोगे तो द पेपर विल स्टार्ट बर्निंग, पेपर बर्न होना शुरू कर देगा। नाउ अभी कॉन्वेक्स लेंस का हो चुका, अब हमको यूज करना है कॉनकेव लेंस। नाउ रिप्लेस इट विद अ कॉनकेव लेंस, द इमेज ऑफ द सन कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द पेपर। आप थोड़ी देर रखो, ज्यादा देर रखो, आपको पता चल जाएगा कि उसकी इमेज नहीं आ रही है पीस ऑफ पेपर पे, बिकॉज द रेज कमिंग फ्रॉम द कॉनकेव लेंस डू नॉट एक्चुअली मीट एट अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट पे नहीं मिलते हैं, इसके लिए उसकी इमेज बन ही नहीं गई है। कॉनकेव लेंस फॉर्म वर्चुअल इमेज, और जो वर्चुअल इमेज होता है उसका स्क्रीन पे इमेज मिलना बहुत ही डिफिकल्ट है, एंड कैन नॉट फॉर्म अ रियल इमेज। सो द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्वेक्स लेंस एंड द कॉनकेव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंस से इमेज बनता है मगर कॉनकेव लेंस से इमेज नहीं बनता। These diagrams clearly show you exactly about a convex lens and a concave lens. Here you can see this is a convex lens. A convex lens converges, bends inward. यानि जो light आ रही है, ठीक है? ये light अंदर inside की तरफ bend होता है. Bend inward, उसका मतलब है converges. The light generally falling on it. अभी ये light जो इस पे convex lens पे गिर रही है, ये यहाँ पे converge हो रही है. Therefore, it is called a converging lens. इसके लिए इसको converging lens बोला जाता है. I'll repeat again. अभी ये एक convex lens है. अभी convex lens में यहाँ से light आ रही है, तो यहाँ से पास हो रही है, तो लाइट जो फॉल हो रही है आगे चल के वो कन्वर्ज हो जाएगी, यानी इनवर्ड बेंड करती है, इसके लिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोला जाता है। अब ये कॉनकेव लेंस है, अभी कॉनकेव लेंस में यहाँ से लाइट आ रही है, इससे पास हो जाएगी
और ये डाइवर्ज हो रही है यानी बेंड्स आउटवर्ड. अ कॉनकेव लेंस डाइवर्जेस दैट इज बेंड्स आउटसाइड द लाइट एंड इज कॉल्ड अ डाइवर्जिंग लेंस. अगेन आई रिपीट, दिस इज अ कॉनकेव लेंस एंड व्हेन द लाइट इज फॉलिंग ऑन इट द लाइट डाइवर्जेस दैट इज बेंड्स आउटसाइड. इसके लिए इसको डाइवर्जिंग लेंस बोला जाता है. तो ये दोनों में ये डिफरेंस है. तो इफ नॉट सी द इमेज इन द लेंस, कहां देखना है आपको इमेज,
लेंस में खुद में आपको इमेज देखना है. द इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव लेंस इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. अभी कैसा रहेगा इमेज? वर्चुअल रहेगा. वो कभी स्क्रीन पे इमेज नहीं दिखाई देगी. तो सबसे बड़ी चीज है वर्चुअल है, इरेक्ट होती है और स्मॉलर देन द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो होता है उससे साइज में छोटा होता है. इवन इफ इट इज प्लेस एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द कॉनकेव लेंस. तो कितने भी डिस्टेंस में रखो, 40 रखो, 30 रखो, 20 रखो, 10 रखो, कितना भी डिस्टेंस तुम दूर रखोगे ऑब्जेक्ट को कॉनकेव लेंस से, फिर भी आपको कैसे मिलेगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट. ओके, तो रेनबो के कलर्स नजर आते हैं. सिमिलरली एक एक्टिविटी है जिसके अंदर एक प्रिज्म की जरूरत है. ये प्रिज्म है, उसमें से भी लाइट का रेज जब पास होते हैं लाइट के रे, तो उसके अंदर रेनबो कलर्स आते हैं. तो उसके लिए क्या क्या हमको जरूरत है? टेक अ ग्लास प्रिज्म. सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? एक ग्लास प्रिज्म लेंगे. ऑब्जर्व अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट टू फॉल ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म. अभी क्या करना है कि एक प्रिज्म के एक हिस्से में, वन साइड ऑफ द प्रिज्म, ये अपना व्हाइट लाइट फ्रॉम द सन यहाँ पे गिरना चाहिए, यहाँ पे उसका लाइट गिरना चाहिए. लेट द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम द अदर फेस. अभी क्या होगा, लाइट यहाँ से पास होके सामने की तरफ चला जाएगा. कमिंग आउट फ्रॉम द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन द व्हाइट शीट ऑफ पेपर. अभी आगे या तो आप एक स्क्रीन रख दो, व्हाइट वॉल रख दो, या तो व्हाइट शीट ऑफ पेपर रख दो. यहाँ पे ये प्रिज्म है, यहाँ से सनलाइट आ रही है. अब यहाँ से देखो ये एंगल डिविएट हो रहा है, यानी डायरेक्शन चेंज कर रहा है. और बैंड ऑफ सेवन कलर इज सी ऑन द व्हाइट शीट ऑफ पेपर. अब क्या होगा, ये प्रिज्म तो ट्रांसपेरेंट होता है, व्हाइट सनलाइट है उसमें से कलर्स बन जाएंगे, बैंड ऑफ सेवन कलर्स बन जाएगा इस स्क्रीन के ऊपर. These are serially from top to bottom, जैसे red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. ये strips of light, ऐसे light deviation होके यहाँ पे पूरा ये rainbow के colors आ जाएंगे. ये sheet, पूरे sheet के ऊपर rainbow colors आपको दिखाई देंगे. Now sunlight consists of seven colors. Sunlight is said to be white light. Sunlight कैसा होता है? White light होता है. This means that the white light consists of these seven colors. हमने ये देख लिया, जब ये प्रिज्म से पास होता है, हमने ये देख लिया कि जो सनलाइट है, तो dispersal of sunlight into seven colors, वो हम लोगों ने इस एक्सपेरिमेंट में देखा with the use of a prism. अब हम न्यूटन की डिस्क बनाएंगे. You can make this Newton's disc at home. Circular disc of cardboard having about 10 cm diameter. अभी ये जो diameter हम लोग ले रहे हैं ना, वो 10 cm का ले रहा है, एक cardboard लेना. Color box लेना, refill, ball pen लेना, coloring pens लेना, ठीक है? Take a circular cardboard disc of about 10 cm diameter. ये 10 cm diameter का cardboard लिया. अभी divide the disc into 7 equal parts. सेवन इक्वल पार्ट में उसको हम ड्रॉ करके डिवाइड कर देंगे बाय ड्रॉइंग लाइंस पासिंग थ्रू इट सेंटर. सेंटर से पास होते हुए हमको सेवन लाइंस बनानी है. पेंट द सेवन रेनबो कलर्स ऑन दिस सेगमेंट्स और यू कैन आल्सो पेस्ट सेवन रेनबो कलर्ड पेपर्स ऑन दिस सेगमेंट. या तो तुम इसको कलर कर सकते हो या तो तुम इसके ऊपर पेपर स्टिक कर सकते हो. मेक अ होल एट द सेंटर ऑफ द डिस्क. अभी सेंटर ऑफ द डिस्क में आप क्या करोगे, डिस्क के बीचों बीच आपको एक होल करना है. फिक्स अ बॉल पेन. अभी इसके अंदर हमको क्या डालना है, ये जो स्टिक नजर आ रही है उधर आप बॉल पेन भी कर सकते हो, वो लूज होना चाहिए ताकि तुम डिस्क को रोटेट कर सको. ऑन रोटेटिंग, जब आप रोटेट करोगे तो ये सारे जो कलर्स है वो मिक्स हो जाएंगे और ऑलमोस्ट आपको व्हाइट कलर का नजर आ जाएगा, ठीक है? तो इससे हमको पता चल जाता है
होती है। तो इस न्यूटन जिससे हम लोग को वो पता चलता है। Dear children, I hope you have understood this lesson very nicely. Meet you soon again with a new chapter. Bye for now.